हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका IBPS क्लर्क प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है और क्या होता है, कभी कभी छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती हैं, तो वो मिस्टेक्स आपसे ना हो तो कुछ बातों का आप विशेष तौर पे ध्यान रखें। पहला कि आप एग्ज़ाम सेंटर पे पहले पहुँचें और पहले पहुँच कर वहाँ ज्ञानी लोगों से थोड़ा सा दूरी बना के रखें। मीन्स बहुत सारे लोग आपको ये कहते मिलेंगे कि यार मैंने पिछले एग्ज़ाम में इतना सारा किया, मैंने इतना सारा किया, इतना सारा करना ज़रूरी होता है, ऐसा होता है, तो उस ज्ञान से आप बचें। ठीक है, आप पहले पहुँचें और थोड़ा सा अपने आप को शांत रखें, ठीक, पेशेंस रखें, अपने आप को शांत रखें, क्योंकि हम बिल्कुल समय पे पहुंचते हैं तो थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, इसलिए समय से थोड़ा पहले पहुंचे, पहली चीज़। दूसरा, एग्ज़ाम हॉल में पहुंचकर 5 मिनट के लिए अपने पेरेंट्स के बारे में सोचें, पॉजिटिव साइड सोचें कि आपको एग्ज़ाम आप अच्छा करेंगे, आपको सारा कुछ आता है, आपने सारी पढ़ाई की है, एग्ज़ाम आसान आएगा, क्वेश्चन आप सारे कर लेंगे, और अगर टफ आया तो सबके लिए आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस तरह की बातों को सोचकर अपने आप को शांत रखें। तीसरी बात कि आप जब भी पजल का सॉल्यूशन सबमिट, मतलब पजल का सॉल्यूशन आपने बना लिया और उस पे बेस्ड क्वेश्चन आप करने जा रहे हैं, तो क्वेश्चन करने से पहले एक बार आप उस सॉल्यूशन को क्रॉस चेक जरूर करें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम जल्दबाजी में कोई ऐसी मिस्टेक कर जाते हैं कि हमारे पाँच के पाँच क्वेश्चन चले जाते हैं, और 5 क्वेश्चन का हर्जाना बहुत बड़ा हर्जाना हो जाता है। इसलिए आप इस बात पर विशेष तौर पर ध्यान रखिए कि वो जो पजल का सॉल्यूशन आप, क्योंकि 5 क्वेश्चन है वो, तो सॉल्यूशन जो आपने बनाया है उस पर बेस्ड क्वेश्चन करने से पहले एक बार उसको क्रॉस चेक करें और तब उस पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, आपका एग्जाम अच्छा होगा। एंड जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है राधे सर की आर अकेडमी, वो सब्सक्राइब जरूर करें, और यहाँ पे हम समय समय पे जो सेशन से वो लेते रहते हैं, और साथ साथ मेंस के सेशन भी यहाँ पे जल्दी शुरू होने वाले हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।